संसार का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था जीके से, भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल संबंधित, किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 76 में आता है। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। गंगा हरितमा योजना कब शुरू की गई थी? 7 अप्रैल को शुरू की गई थी। और कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और अगर इसका एक वाक्य पूछा जाए आगे के कभी किसी एग्जाम में, तो एक व्यक्ति एक वृक्ष इसका वाक्य है, एक वाक्य है, एक स्लोगन है। ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? देखिए मंडल बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सभी मंडलों को पढ़ के जाएं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। भारत की नई दूरसंचार नीति कब आई थी? 1999 में आई थी भाई, भारत की नई दूरसंचार नीति, और जबकि पहली 1994 में आई थी। लड़ाकू विमान राफेल किस देश से संबंधित है? तो ये राफेल जो संबंधित है वो फ्रांस से, आपने अखबारों में काफ़ी पढ़ा होगा। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश के बाद जो आता है भैया शिशुनाग वंश आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और नीति आयोग के CEO भी पूछे गए थे भाई, करंट भी लिया जा रहा है काफ़ी, अमिताभ कांत। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो जी के कहीं जा सकती है कि आसान ही आ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल GK में भी नहीं आ रही है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का प्याज परिवर्तित रूप है। ठीक है जी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सभी को पता है भैया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो यह है भाई RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप बच्चे जो है हमारा एक व्हाट्सएप नंबर लिख लें, 96 34 25 26 30। जैसे ही जिन जिन बच्चों के पेपर होते हैं वो जो भी क्वेश्चन उन्हें याद रहते हैं उसके अनुसार हमें इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, जिससे कि हम सटीक और सही क्वेश्चन ही यहाँ पर बच्चों को दे सकें। तो सभी बच्चे एक बार 96 34 25 26 30 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी बच्चे पेपर देकर आते हैं वो RPF SI का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से जुड़ी है? बांग्लादेश से जुड़ी है। और RBI की स्थापना भी पूछी गई थी 1 अप्रैल 1935। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया। रक्त का pH मान 7.4 होता है। और वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? ये दयानंद सरस्वती का नारा है। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि आसान इस वजह से हो चुका कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ के जाते हैं इसे। तो आयरलैंड से। रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस होती हैं? तो ये आयन मंडल से भैया रेडियो तरंगे वापस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो 86वां संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा से ये संबंधित है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है। गोवा को भारत में कब मिलाया गया था? तो गोवा को भारत में कब मिलाया गया था? 1961 में मिलाया गया था। और किस रक्त का एंटीजन नहीं होता? तो किस रक्त का नहीं होता भैया? ओ रक्त समूह का एंटीजन नहीं होता। तो ये कुछ जो क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं उसका एक डाटा लेकर हम आए हैं, जो आज 19 तारीख का जो पहली शिफ्ट हुई है SI की, जो पेपर हुआ है उसके अनुसार। बाकी आगे भी इसी तरह के क्वेश्चनों को हम इकट्ठा करके लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ये भी है कि आप लोग जो भी पेपर देना जाएँ तो हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 96 34 25 26 30 पर अपने क्वेश्चन हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम सभी बच्चों की हेल्प कर सकें। आगे भी हम वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। धन्यवाद।